काम कोम करते रहते हैं हम लोग मेरे पास भी छोटा मोटा एक छोटा सा फार्म है वहाँ पर हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं स्टेज पे खास करके जब स्टेज वाला जो काम है ना मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ अपने स्टेज साउंड चेक करने जाता हूँ तीन चार घंटे साउंड चेक पर लगाता हूँ फिर दो घंटे तीन घंटे चार घंटे परफॉर्म करता हूँ वो सबसे बढ़िया जो एक इन्वॉर्मेंट होती है ना वो आपको बूस्ट कर देती है वो आपको एनर्जी देती है वो आपको टी देती है एक्चुअली जीने की जो एक इच्छा प्रकट होती है ना वो सबसे बड़ा सीक्रेट और उसके बाद सुन ले रहा ये सबसे बड़ा वाह 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 एंड एस अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने जो ऑडियंस है उनमें जस्सी पाजी के uh, ही दो बेटे भी हैं भाजी आपने इतनी जनरेशन से लोगों को इंस्पायर किया है टू सिंग टू टू एक्ट एज वेल आप 90 से हम देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आपके संगीत को 90s, 2000 और अब आपने कितना ट्रांजिशन देखा है अभी तो लिरिक्स की बात हुई म्यूजिक में आपने क्या ट्रांजिशन देखा है संगीत बहुत बदल गया है संगीत जो है वो बदलना भी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बदलती है ना बहुत सारी हम लोग सिक्सटी की जब पिक्चर या कुछ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बहुत स्लो थी उस टाइम पे सेवेंटी और थोड़ा फास्ट हुआ एट्टी फिर नाइन्टी दैन मैंने जो तीन चार चार दहाके देखे हैं ऑलमोस्ट और मैंने लोगों को बदलते भी देखा म्यूज़िक बदलता देखा है पहले म्यूज़िक जो है वो दस साल लेता था बदलने में आजकल जो म्यूज़िक है वो सिर्फ दो या तीन महीने लेता है तो ऑलमोस्ट कई कई जगह पे आपने देखा होगा कि वो एक महीना ही होता है तो साउंड बदल जाते हैं नए सैम्पल्स आ जाते हैं ढोल की साउंड ही कुछ नहीं आ जाती है ढोल को कोई और अच्छा बना के क्रिएट करके कुछ ना कुछ होता है औरिजिनल ढोल है मगर उसमें रब दे के या कुछ करके म्यूज़िक का जो साउंड है ना वो बहुत बदला है और मेलोडी नहीं बदली मेलोडी वही है मेलोडी वही चलती आ रही है आज भी आँ... एक एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है आप इससे इतफाक रखेंगे या नहीं मैं आपसे पूछना चाहूँगा जब भी बड़े सारे इंटरव्यूज़ होते हैं तो सारे लोग ये बोलते हैं पुराने जमाने वाले गाने बड़े अच्छे होते थे आजकल मज़ा नहीं आ रहा तो आपका इस बारे में क्या कहना है क्या अभी गाने अच्छे नहीं बन रहे नहीं नहीं गाने अच्छे बन रहे हैं ऐसी बात नहीं गाने अच्छे नहीं बन रहे मगर भाषा निकल गई है जब वो भाषा निकल जाती है ना पहले लोग मान लो आप बॉलीवुड की बात कर लो जो पंजाबी इंस्पायर्ड गाने हैं जैसे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में अखियों में ऐसा डाला कजर ने ले ली मेरी जा तो ये जो डिटेलिंग है वो आजकल मिस होती जा जा रही है कुछ लोगों में एक्चुअल में वो पॉपुलरिटी की दौड़ है वो जो एकदम रेस चल गई है ना कि मैंने पॉपुलर होना है वो सीखे नाच सीखे उसको सीखने की ज़रूरत नहीं लगती उसको लगता है कि गाना हिट हो गया तो मुझे याद है शौकत अली एक पाकिस्तान के आर्टिस्ट होते थे तो उनको किसी ने पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान के आर्टिस्टों में क्या फ़र्क तो उस टाइम उन्होंने बोला था कहते यार जो एथुंधि पंजाब है जो साडा पंजाब है उन्हें चढ़दा पंजाब कहेंद तो उधर पाकिस्तान दहेंदा पंजाब कहेंदे जो सूरज चढ़ता और डूबता है उसको ऐसे बोलते हैं तो वो कहते हैं कि जो हमारे वाले लोग हैं वो सीख के कैसेट करवाते हैं जहाँ पॉपुलर होते हैं ये पहले पॉपुलर होते हैं फिर सीखना शुरू हो देखे अगर बात बड़ी गहरी है कि हमारे बंदे जो हैं वो आजकल इतनी रेस में हैं कि जल्दी जल्दी पहले पॉपुलर हो जाए फिर देखेंगे कि इसका क्या करना है इसमें इसको सीखना है कि नहीं सीखना वो बाद में डिसाइड करता ये बड़ी ख़तरनाक गेम जो है इसलिए मतलब भाषा जो है बादशाह है म्यूज़िक है उसमें डिटेलिंग क्योंकि जो पॉपुलर हो जाती है चीज़ मैं नाम नहीं लेना चाहता कंट्रोवर्सी होती है बहुत सारे आप देखते हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे स्टूपिड लोग जो हैं वो पॉपुलर हुए पड़े हैं तो अब जो पॉपुलर वाली गेम है वो भी एक गेम है वो व्यूज़ की गेम है जब उस स्टूपिड चीज़ों के ऊपर व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं तो क्योंकि मुझे भी व्यूज़ चाहिए मुझे अच्छा गाना गा गया सै रे वो ने, ने बताई मैं वर पाया व्यूज तो मुझे भी चाहिए अब मैं इसको कितना हल्का करके गाऊँ कि मुझे व्यूज़ मिले क्योंकि व्यूज़ का भी एक मीटर बना दिया है उसका भी एक पैमाना बना दिया है कि वो आपको घटियापन का भी एक पैमाना हो गया है कि आपको उस रेस में आपको रलना नहीं पड़ेगा आप कितने बड़े सिंगर हो क्लासिकल के सिंगर हो को कुछ भी हो आपको वहां पर भी पेश होना है, है।, तो नहीं है। नहीं तो... नहीं दीनानगर से रखता हूँ जम्मू के बिल्कुल पाचूत कॉलेज मारे क्या करे करते हो बोली वो बीराबा जी बैठे ये इन्होंने जम्मू से एम फिल किए और चलो एक जम्मू का गाना गाते है माए नी मेरिय चम्मुए दियारे चंबा कितनी दो चंबाए कितनीक दो सिपलैनी बसना ਸਪਟੂਏ ਨੀ ਬਸਣਾ ਸਿਮਲੇ ਨੀ ਬਸਣਾ ਸਪਟੂਏ ਨੀ ਬਸਣਾ ਬਸ ਲੈਣਾ ਚੰਬੇ ਜਰੂ ਮਾਈ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜੰਮੂਏ ਦਿਰਾ ਹੈ ਚੰਬਾਏ ਕਿਤਨੇ ਕੁ दो एक गाना था हमारे सूरज सिंह जी है ना वाद वो गाते हैं टक्के नहीं चढ़ाऊं दियो लक्के पीड़ंदियो विछोड़ा रोग डांडोयो होगन नहीं जे हो गल नहीं जे रोंदियो टक्के नहीं चढ़ाऊं दियो वीरप्पा जी नु ज्यादा आंदे And, uh, दिन को नहीं पता इस uh, भाजी <laughs> आप का वो गाना दिल लेगी कुड़ी दी तो जिसने आ, आप पूरे पॉपुलर कर दिया मासेस के बीच में नेशनली इंटरनेशनली दिल्ली की कुड़ी गुजरात दी मुझे वो याद है वो टाइम जब अब जब लोग कैसेट्स भरवाया करते थे और जब जस्सी पाजी की कैसेट आती थी तो लोग कहते थे नहीं एक एक गाना नहीं पूरी कैसेट ही एक साथ ही भर दो तो ये वो वक्त था एंड ये गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ था और मतलब शादियों में ब्याहों में हर जगह ये गाना पार्टी में बजता था तब डीजे भी नहीं हुआ करते थे तब तब वो लकड़ी के लाउड स्पीकर होते थे उस टाइम का ज़माना है उससे भी पहले जो वो गोल वाले स्पीकर होते थे वहाँ पे भी पाजी के गाने बजे हुए मुझे वो भी याद है तो पाजी हाउ हाउ डिड डिड दैट दैट सॉन्ग हैपन एंड म्यूजिक दिल लगी कुड़ी गुजरात दिल लगी एक्चुअली हमने एक पूरी पूरी एल्बम की थी टाइम्स म्यूजिक के साथ टाइम्स म्यूजिक उस टाइम पे अभी आ रहा था उस वो शुरू नहीं हुआ था तो टाइम्स म्यूजिक को हम लोग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये वो सारा कुछ सेट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट मैंने सेट किए थे आपने अगर नाम सुनाओ रूबी और सोनू जो है जो स्पीड वाले हैं उन्होंने करवा के दी थी सारी की सारी तो वो वो कंपनी मेरे से स्टार्ट हुई तो देन दिल लगी मैं नहीं कर रहा था मैं एक तारा वजदा वेराजना नूर महल महलदी मोरी वो गाना कर रहा था मगर अरुण अरोड़ा साहब हमारे सी होते थे वहाँ पर टाइम्स में अच्छा तो उन्होंने बोला कि यार उनकी बे, उनके बेटे की शादी पर मैंने थोड़ा सा गाया था इसलिए क्योंकि उनकी जो बहू है वो गुजरात के थे ओह अच्छा उन्होंने चार महीने बाद वो कैसेट सुनी वो देखी तो उन्होंने बोला यार ये गाना कर दो मैंने बोला कि नहीं नहीं हम तो आठ गाने करके आ चुके हैं वो कहता यार मेरे लिए कर दे मेरी बहू के लिए कर दे अरुण अरोड़ा साहब ने ये बोला तो फिर हमने रवि और प्रमोद जी होते थे हमने वो गाना फिर दोबारा रिकॉर्ड किया वो मेरे पास था गाना वो दिल लैगी जो है वो एक गुरदास पाजी का गाना था बहुत पुराना दिल लैगी 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 वो दिल लैगी वो वो चला नहीं था बहुत ज़्यादा गाना तो दिल लैगी जो है Uh, उस टाइम गुरदास जी के गाने का मामला है या मामला गड़बड़ा है इस टाइप के गाने थे जो लफ्स लोगों को समझ आते थे तो कुड़ी गुजराती लगा के दैन फिर सारे लोग इसको पंजाबी ट्यून समझते हैं ट्यून जो ये है हरियाणवी है अच्छा क्योंकि जो श्याम पटेजा जिन्होंने लिखा था ये पूरा गाना वो श्याम पाजी जो थे वो रोहतक से थे पंजाबी थे मगर रोहतक रहते थे चरणजीत गुजा साहब के सबसे पहले शंगेर थे तो उन ਉਹਮ ਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਤੇ ਰਥ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਨਾਮ ਗਲਾਬੋ ਛੋਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਬਣਾ ਦੇ ਰਾਮ ਗਲਾਬੋ ਛੋਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਨਾਮ ਗਲਾਬੋ ਛੋਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਬਣਾ ਦੇ ਰਾਮ ਗਲਾਬੋ ਛੋਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ शराबी एक मुंडा शराबी ओ लगी ओ ओ दिल लगी कुड़े दिल लगी दिल लगी कुड़े, कुड़े कुछ रात की सो so, ये गाना मेरे थैंक यू मैं मैं अपने गाने जो है ना वो नोट करता था उसके पहले बहुत सारी कैम टी वी की मुझे याद है मेरे पास डायरी है जिसके ऊपर मैंने पूरे के पूरे पाँच सात आठ हज़ार गाने लिखे होंगे तो हमने दिल लगी के पहले भी मैं ये अपनी मेहनत की थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ दिल लगी के पहले जैसे हम जलंधर से चले मैं बीराबाजी के रंजन हमारा दोस्त है मेरे पास मरूथी कार होते थे उस टाइम पर तो हम मतलब फुगवाड़े गए आपके पास गए तो आपको बोला कि गाने दे दो आपने पंद्रह गाने दिए फिर आपने बोला यार इधर सा पिंड चे एक और पिंड हैगा उतें भी एक बंदा है यार उद को भी गाने ले लो तो उस टाइम पे मोबाइल मोबाइल तो होते नहीं थे ज़्यादा सब लोगों के पास उनके पास गए उनसे गाने लिए उसने पंद्रह गाने दिए उसने किसी और का ऐसे करके हमने चंडीगढ़ पटियाला बठिंडा मलोट अबोर करते करते उन्नीस दिन ऑलमोस्ट लगा दिए थे हमने मतलब तो वो राउंड लगाते हुए तो साढ़े चार पाँच हज़ार गाने हम लोग रिकॉर्ड करके लाए इकट्ठे कर इकट्ठे करके लाए तो इकट्ठे करके फिर गांव में बैठे तबला बजता था एक हमारा नत्था हमारा दोस्त है गुरदासपुर से वो तबला बजाता था मैं बाजा बीरा बाजी हम लोगों ने उस उनकी तर्ज़ें बनानी शुरू की लोग गांव के आ जाते थे चारा काट के फिर आ जाते थे फिर कोई काम करके फिर बैठ जाते थे मेरी माँ चाय बनाती रहती थी खाना खिलाती रहती थी तो वो ऐसे कर करके एटी थ्री नंबर पर गाना था वो पर मगर हमारी हिट लिस्ट में गाना नहीं था कि हिट वाला क्योंकि मेरा थोड़ा टेस्ट थोड़ा डीप था कि मैंने डीप करना पॉपुलर ज़्यादा नहीं करना मैंने डीप करना है थोड़ा हल्का नहीं करना मगर आई थिंक जो दिल्ली बॉम्बे यहाँ की मार्केट और पंजाब की मार्केट है ना वो थोड़ी डिफरेंस वाली मार्केट है उसमें थोड़ा सा इधर थोड़ा सा हल्का गाना पड़ता है क्योंकि पंजाबी भाषा नहीं होती सब लोगों की मगर उनको उनको अच्छा लगता है ये भी बहुत अच्छी बात है कि पंजाबी को सब दुनिया प्यार करती है ये मतलब मैं सोचता हूँ कि गुरु नानक पातशाह की इसमें कृपा है या गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की कृपा है के लोग उनको जानते हैं उनकी भाषा को जानते हैं गुरु अंगद देव जी की स्क्रिप्ट बनाई हुई है तो लोग जो है उसको प्यार करते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हैं किसी भी जात के हैं किसी भी आ, इलाके से हैं लोग उसको प्यार करते हैं और मैं उसके लिए सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप पंजाबी को इतना प्यार करते हो आज देखो दलजेत है सुखबीर पाजी हैं है है ना ऐसे 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 आर्टिस्ट हैं जिनको दुनिया जो अभी वो गाना आया था अर्जन वैली किसी को समझ भी नहीं आया मगर फिर भी वो गाना लोगों ने कितना प्यार किया वो हमारे पंजाब का एक्चुअली टिपिकल फोक और वो जो भपिंदर बब्बल ने गाया वो बंदा मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है उस बंदे की क्योंकि वो बंदा पहले से जब से हम कंपटीशन लड़ते हैं कॉलेज के इधर उधर सारे पहले वो कंपटीशन लड़ने आते थे सुरजीत बिंद्रखिया वो सारे और फोक बड़ा अच्छा लगता था उनका देन वो टीमें तैयार करके लाते आज उनकी मेहनत को फल लगाए तो बहुत अच्छा लगता है कि फोक वाला कोई बंदा जो है वो पॉपुलर हुआ है सो so, लोग प्यार करते हैं ये बहुत ही कमाल की बात है नेशनल इंटेग्रेशन की भी बात है भाजी आपने आपने वो टाइम भी देखा है जब जो जैसे आपने अपनी स्ट्रगल का टाइम बताया कि गाँव में बैठ के और आपने वो अखाड़ों वाला टाइम भी देखा है आपने वो टाइम भी देखा जब लोगों को बुलाना पड़ता था अपने पास और अब वो टाइम है जब शायद ऑटो ट्यून से ही गाने अपने आप बन जाते हैं आपको ज़्यादा आवाज़ पे भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है सो so, अब आपके सामने आपकी यंग जनरेशन भी है आपके बच्चे भी हैं सो so, आप उनको क्या सलाह देते मैं तो अच्छा म्यूज़िक करने के लिए सलाह देता हूँ और उसको अफकोर्स स्प्रेड करने के लिए सही तरीके जो हैं वो यूज़ करने चाहिए मार्केटिंग के तरीके जो हैं वो होने चाहिए लोगों तक पहुँचना चाहिए पर उसका तरीका सही होना चाहिए उसका तरीका कोई चीप नहीं होना चाहिए कोई ऐसा नहीं होना चाहिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई गन वाले गाने का गा गा दिए या चिट्टे वाले गाने गा दिए या मतलब ड्रग ग्लोरीफिकेशन वाले गाने गा दिए कल्चर को कुड़ियों को उठा के ले जाने वाले गाने गा दिए जो कल्चर को आपको शर्मशार करे वो कोई भी पैंतड़ा नहीं अपनाना चाहिए जो आपको कल को हाम करे मैं पंद्रह साल पहले की बात है मुझे लगता है जब जब कुछ मैं आर्टिस्टों का फिर नाम नहीं लूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी होगी जब मैं यहाँ पर ही एच टी आके ये बोल के गया था कि हमें बंद करना चाहिए नई ग्लोरीफिकेशन करनी चाहिए नशों की ठीक है बच्चों को अच्छे लगते हैं वो गाने जब हम गंद थोड़ा सा डालते हैं उसमें जो डबल मीनिंग टाइप के कुछ चीज़ें डाल हम भी डाल सकते हैं उसमें वो अच्छी लगती है क्योंकि हम भी जब छोटे थे हमें वो थोड़ी नेगेटिव जो चीज़ होती है जो थोड़ी सी गंदी चीज़ होती है वो और आपने देखा होगा कि मोहल्ले में जो सबसे बदमाश चाचा होता है वो सारे बच्चों को अच्छा लगता है <laughs> तो क्योंकि वो गंदी चीज़ें सिखाता है तो बच्चे उसके पास जा चोरी चोरी जा के बैठते हैं तो वो कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमें हार्म करे तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर मैं बोल के गया था कि इसके रिज़ल्ट ख़राब आएंगे आज देखो पंजाब के कुछ कुछ चीज़ों में पंजाब जो पीछे गया है नशे में पंजाब बहुत आगे निकल गया है और आ, हमारे खेडों में अभी दोबारा से शुरू हुआ है तो लोगों में अवेयरनेस आई है या लोग उठे हैं जागे हैं लोगों को लगता है कि हम नशा नहीं बिकने देंगे और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे तो ऐसे मुझे लगता है वो काम नहीं करना चाहिए जो आपकी सोसाइटी को कल को हार्म कर सके तो अभी भी आप स्टेज शोज उसी हिसाब से करते हैं जैसे पहले करते थे आपका कोई एक ऐसा रिचुअल जो आप हमेशा फॉलो करते हैं स्टेज पर जाने से पहले सबसे पहला रिचुअल मेरा ये होता है कि मैं गुरबानी से शुरू करता कर अच्छा पहले पहले क्या होता था कि मैं उस टाइम पे इतनी सेंसिटिविटी नहीं ज़्यादा बड़ी थी तो मैं दो चार श्लोक जो हैं बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी का है सेवक जन माना है पृथ्क गुरु निस्तारे या अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे पहले गा गा के करता था आजकल मैं बोल के बोल देता हूँ क्योंकि आजकल कुछ कुछ लोग जो मीडिया के विद्वान हैं वो बोलते हैं कि सिर क्यों नहीं डका आपने गाते टाइम या पैरों में जूता पहना हुआ है मगर हमारी मजबूरी होती है थोड़ी बहुत पर मैं चाहता हूँ कि लोगों तक वो पहुँचे और उसके भी बहुत सारी मेरी उदाहरणें हैं गुरबानी को लेके कि कई कई लोग सिर्फ मेरे वो चार श्लोक ही सुनने आते थे या आते अभी भी और अप्रिशिएट करते हैं तो ये तो मेरा एक रिवा रिचुअल जो आप रीति रिवाज जिसको बोल सकते हैं अगर ये मैं नहीं करूँ तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत नहीं हुई ये दिन की जो दिन मतलब ये ये माइनस हो गया ये दिन जो है तो आज भी अगर आप मेरी स्टोरी भी देखोगे तो दिन का जो शुरुआत है वो मैं जब जी साहब से करता हूँ एक हम हम लोग बचपन में सुनते थे एक लोचन सिंह जी तो वो हमारे कानों में हमारे दिमाग में अभी तक वो साउंड्स हैं पिंड के गुरुद्वारे में जब स्पीकर लगता था तो एक की साउंड जो है हमारे कानों में पड़ती थी वो आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों तक मचाऊँ और और आगे बढ़ाता हूँ कि उसमें जितने लोग मुझे पूछते हैं कि ये कौन पाठ पढ़ रहे हैं तो मैं उनको जवाब देता हूँ इंस्टा पे जाके और चाहे मैं कुछ करूँ चाहे नहीं उनको ज़रूर लिख के तो ये मेरा रिचुअल है गुरबानी को वहाँ पर क्या बात है तो आप इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपका कोई और फेवरेट गाना जो आप हमारे सामने गाना चाहेंगे आप ਡਣ ਗਣ 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 ਕੂੜੀ ਤੰਦਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨੰਬੜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਕੂੜੀ ਤੰਦਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਤੇ ਨੰਬੜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਰ ਵੰਝਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ ਕੱਚੇ ਮਾਰ ਵੰਝਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਚੱcke ਮਾਰ ਵੰਦਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਫੋਕ ਜਸੇ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਪਈ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਟਾ ਓਕੇ ਟੱਕੇ ਮਾਰਤਾ ਪੂਰਨਾ ਪੂਰਨਾ ਵੱਡ ਤਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਓ ਜੱਗਾ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਤਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗਾ ਸੂਰਮਾ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੈ ਨੀ ਗਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਆਲਾ ਸਾंभ ਸਾंभ ਰੱਖੀ ਨੀ ਸਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਮਣ ਕੇ ਐ ਨਾ ਮਣ ਕੇਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਜਿੰਦ ਗਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ आले काल बिच पाल नी गानी यार दी नी तू सांब सांब रखी निशानी यार दी और पंजाबी की पता एक और भी खासियत है आ, आपने ये बीट शुरू कर दी जो भी पाजी ने गिटार पे शुरू किए आप सारी रात गाते रहो इसमें <laughs> सारी रात आपके पास ख़त्म ही नहीं होना आपने फिर दूसरी चीज़ पर टंगा इसको सारी रात गाते रहो दो दिन गाते रहो आपके पास मटीरियल नहीं ख़त्म हो सकता इतनी वर्सटैलिटी है पंजाबी म्यूजिक में उसका कारण और भी थोड़ी अभी बातें कर रहा हूँ मगर क्योंकि जब भी भारत के ऊपर हमला हुआ है ना वो पंजाब के थ्रू ही हुआ है जब भी तो पंजाब ही लूटा गया है पंजाब ही उजड़ा है पंजाब ही हर टाइम उस दुख सुख जो है तो इसीलिए पंजाब के लोग जो हैं उसके आ, उस एरिया डाइसपुरा में बहुत सारा प्रभाव है सूफियों का भी मतलब मुस्लिम समाज का भी मुग़लों का भी हिंदू समाज का भी सिख समाज का भी सारा जो है ना मिश्रण है इसीलिए लोग वहाँ के लोग कहते हैं कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा अहमद शाह अब होता था ना तो अहमद शाह अब्दाली कभी भी आके लूट के ले जाता था सब कुछ तो कहते खादा पीता लाए था उसका ही लाभ है उसका ही लाभ होना है बाकी जो है उसने अब्दाली ने लूट के ले जाना है तो ये खूबसूरती है पंजाब की वो ज़िंदगी को जीते हैं पंजाब की ज़िंदगी को अपने गानों के साथ लोगों तक प्रेजेंट भी कर पंजाबी लोगों के बारे में एक चीज़ और बहुत फेमस है कि लोग कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है कि लोगों की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है तो इसके पीछे का क्या रीज़न है मिट्टी के अंदर तो सबसे बड़ी तो गुरबानी की खुशबू है बाबा नानक ने उस मिट्टी को कैसे वाया है कैसे सिंचा है कैसे उसको अपने किरदार के साथ अपने अध्यात्म के साथ अपने आ, रू रो के साथ उसको सिंचा है उसको उसके बाद आप सीधे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के ऊपर आ जाओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस मिट्टी को एक किरदार दिया है लोगों की सेवा करने का लोगों की रक्षा करने का लोगों लोगों के साथ जब जुल्म होता है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जो फ़ौज है सिख हैं सिंह हैं जो है वो खड़े हो जाते हैं कोविड में आपने देखा कि कैसे सब गुरुद्वारे जो हैं वो लोग इस तरीके से लग गए थे लोगों ने परवाह ही नहीं की अपने आप की लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में देखा गया ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए मतलब लंगर की प्रथा तो एक रोटी की है ना रोटी तो लगाई लगाई लोगों ने ऑक्सीजन के लगा दिए लोगों ने मास्क के लगा दिए तो ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरु नानक देव जी इन लोगों की शिक्षा है जो उस मिट्टी में उस मिट्टी को उस उनका रंग है इसीलिए लोग हम्बल भी हैं लोग लोग प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं लोग मोहब्बत के साथ मतलब गुड़ोच्छ हैं एकदम भीगे हुए तो इससे पहले हम आ, आपको स्टूडियो में लेके जाए जाते जाते कोई एक एक गाना जिससे आप एंड करना चाहेंगे डंग डंग जो मेरा आने वाला गाना है, डंग 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 कोई होके के तिंदा फिर कोई होके के तिंदा फिर कोई होके के ये जेल जाके हो चाँदने तो के ये हो के तिंदा फिर दा, कोई होके के ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਤੁਖੇ ਓਏ ਉੱਠੋ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨੋ ਉੱਠੋ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨੋ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਟੰਗੇ ਮੌਕੇ ਓਏ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਓਏ ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਤੁਖੇ ਓਏ Here we go. Thank you.